सत श्री अकाल सारिआं नूं, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दे उपर। सो अज जो आपां गल करन जा रहे हैं जो अपने नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल दे विच उपर जो ऑनलाइन वजीफे ने उह स्टार्ट हो चुके ने, सो उस दे बारे आपां डिस्कस करन जा रहे हैं। सब तो पहला मैं जो साइट दे उपर आया हाँ वह है scholarships.government.in। ठीक है, ये उपर जो आप चैक करांगे भी जो वजीफे फॉर अकैडमिक ईयर 2022-23 दे लई स्टार्ट हो चुके ने। सो सब तो पहला आप देख लें भी इन्हों का भी की प्रोसैस है। सब तो पहला जो अपने एप्लीकेंट कॉर्नर के उपर जाके आप जेकर बच्चे जो बच्चे अपने न्यू रजिस्टर करने जाने के न्यू रजिस्ट्रेशन आ जिन्हों बच्च ने पहली बार जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, सो उन्होंने आप न्यू रजिस्ट्रेशन करा। जो बच्चे लास्ट ईयर के जिन्हों बच्चों ने ऑनलाइन वजीफे अप्लाई किया आप रीन्यूअल एप्लीकेशन के फॉर्म भरा। ठीक है जी, सो आप अगे चेक कर लें। सो आप जो न्यू रजिस्ट्रेशन लई बच्चों के की रिक्वायरमेंट ने, डाकूमेंट की जो अपनी है लगन गए, नाल सर्टिफिकेट लगन गए जां किहड़े किहड़े डाकूमेंट लगे वो आप डिस्कस कर लेने हैं। सो आप कर लिया न्यू रजिस्ट्रेशन तो क्लिक करन तो बाद आप करना है क्लिक हेयर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम होस्टड ऑन NSP फॉर एनुअल ईयर 2022-23 के उपर आप क्लिक करांगे। सो उस तो बाद जो क्लिक करन दे उपर अपने कोल आया है अकैडमिक ईयर 2022-23 गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वेलकम टू नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है, ये आया है अपने कोल। सो आप चेक करने भी इन्होंने की क्या हुआ है। इन्होंने यही कहा जो बच्चे फर्स्ट टाइम जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं वो जो आप रजिस्टर करने हैं स्टूडेंट रजिस्टर फॉर्म उन्होंने फिल करना है। ठीक है, न्यू स्टूडेंट रजिस्टर फॉर्म आप फिल करांगे। ठीक है, जिहड़े बच्चों की जो उम्र कहें 18 साल तो घट है उन्होंने पेरेंट्स या गार्डियन भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, करा सकते हैं। ठीक है, सो आप चेक कर लें अपन की कुछ चाहिए इन्हों का डाकूमेंट लग। इन्हें लिखा नोट फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम वेयर स्टूडेंट्स डू नॉट हैव देयर ओन बैंक अकाउंट। कहिंदे जिहड़े बच्चों का आपका खाता नहीं है, जिहड़े प्री मैट्रिक के अंदर आते हैं उन्हां दा अपना खाता नहीं है तो वह अपना की कर सकते अपने पेरेंट्स का खाता की आ लगा सकते हैं। ठीक है, पेरेंट्स कैन प्रोवाइड देयर ऑन अकाउंट डिटेल, वो आपके पेरेंट्स की अकाउंट डिटेल दे सकते हैं। सो सब तो पहला की उन्हां दी जिहड़ी बच्चों की एजुकेशन डाकूमेंट ऑफ स्टूडेंट ने लास्ट ईयर के जो भी क्लास पास की डाकूमेंट चाहिए ने। तो जो बच्चे दे एक स्टार्टिंग दे विच एक इन्हों का होर भी न्यू है भी दाखला नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ रोल नंबर है बच्चे का क्लास का वो सारा कुछ अपन फिल करना पवेगा। किहड़े ईयर दे विच बच्चा स्कूल विच दाखल होया वो भी अपन फिल करना पवेगा। ठीक है, वो भी अपन को रखना पवेगा। स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड ऑफ द बैंक ब्रांच जिहड़े बच्चे का जिहड़े बैंक दे विच खाता है उसका IFSC अकाउंट भी होना चाहिए। सो मैं दस दिता जो प्री मैट्रिक बच्चे ने जो पहली तो दसवीं जो उन्हों का आपका खाता नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स का खाता भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक अपन चाहिए आधार नंबर ऑफ द स्टूडेंट, आधार नंबर भी चाहिए है बच्चे का। ठीक है, इफ आधार इज नॉट अवेलेबल, जेकर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फॉरम इंस्टीट्यूट या स्कूल, जे बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा स्कूल वालों। ठीक है, जे बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो अपन बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाना पवेगा स्कूल के वालों। आधार एनरोलमेंट ID एंड स्कैंड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक। ठीक है जी, इफ स्टूडेंट स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम डोमिसल स्टेट, जे बच्चे का स्कूल कोई डोमिसल स्टेट तो हो रहा है तो बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल वालों उन्होंने की है बोनाफाइड सर्टिफिकेट लग जाएगा। सो अपन जेडे अपन इन्होंने कहा है ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन भी इन्होंने जो ऑनलाइन आप फॉर्म कर अपन जरूरी जो डाकूमेंट ने वो आप दस दें। सब तो पहला है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ चाहिए अपन जरूरी, डेट ऑफ बर्थ प्रिंटड इन एजुकेशन जो इन्होंने एजुकेशन सर्टिफिकेटा के उपर है डेट ऑफ बर्थ उ आप फिल करना है। फिर स्टेट डोमिसल भी कि स्टेट का है भी ये बच्चा पंजाब का हरियाणे का जो भी जी स्टेट वो अपना करना है। फिर आप चेक करनी है भी स्कॉलरशिप कैटागरी, स्कॉलरशिप कैटागरी ने इन्होंने दो पार्ट के डिवाइड कर रखा है, एक तो है प्री मैट्रिक एक है पोस्ट मैट्रिक। प्री मैट्रिक के स्टूडेंट आते हैं क्लास फस्ट टू क्लास टेंथ पहली तो लैके दसवीं क्लास के जो बच्चे ने वो प्री मैट्रिक के आते हैं।
ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੋਪ ਕਲਾਸ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਮੈਟ ਕਮ ਮੀਨਸ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕਲਾਸ 11 and 12। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 11ਵੀਂ ਐਂਡ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਫਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 11th ਐਂਡ 12th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ITI BSc BCOM BTech ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡਿੰਗ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਕਾਲਜ ਸੱਚ ਐਜ IIT ਐਂਡ IIM ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੂਇੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ BCA ਜਾਂ BSc ਜਾਂ BTech ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੇਮ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹੀ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਨੇਮ ਫਿੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ OTP ਹੁੰਦੀ ਹੈ, OTP ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਫਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੋ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ID ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, IFSC ਕੋਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇ ਗਾਰਡੀਨਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਫਿੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਫਿੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਵਜ਼ੀਫੇ ਫਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।